गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू. आई एम नेहा. आई होप यू ऑल आर गुड. दिस इज़ योर जी के बुक. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 20. राइट नाउ चैप्टर नेम इज लेट्स ड्रेस अप. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. टुडे देयर इज अ फैंसी ड्रेस पार्टी. पीपल हैव कम इन ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ वेरियस कंट्री. ओके, तो आज क्या है, यहाँ पे ड्रेसअप करना है, मतलब फैंसी ड्रेस पार्टी है इसमें, और जिसमें क्या करना है, ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने हैं अलग अलग कंट्री के हिसाब से. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज रेमान एंड रिया आर ड्रेस इन जैपनीज कैमोनोस. दे आर आल्सो वियरिंग द ट्रेडिशनल फुटवेयर गेटा विथ स्प्लिट टो सॉक्स. ओके, रेहमान और रिया जो है वो ड्रेस हुए हैं कैसे, जैपनीज़ केमोनो पहन के. और केमोनो ये ड्रेस है जो केमोनो है, और इनका जो वेयरिंग ट्रेडिशनल फुटवेयर भी इन्होंने पहना है जिसको बोलते क्या है, गेटा विथ स्प्लिट टो सॉक्स. मतलब जो हमारा टो सॉक्स में टोज के लिए अलग स्पेस और हमारी फिंगर्स के लिए अलग स्पेस होता है, वैसा सॉक्स पहना हुआ है. नाउ कम टू द सेकेंड वन. Sina and Meena are wearing Crocheonsan, the traditional Chinese dress for women. It is a tight-fitting dress with a high neck and a closed collar. Are not they looking pretty? तो Sina और Meena जो है वो क्या पहनी हुई है, चियांगसेंग ड्रेस पहना है जो चाइनीज़ ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस, और इसमें लॉन्ग कॉलर है और टाइट ड्रेस है. ठीक है, क्लोज कॉलर टाइट ड्रेस है. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. दिस इज जैम एंड जेनी. जैम और जेनी है ये, आर वेयरिंग द नेशनल ड्रेस ऑफ स्कॉटलैंड. इन्होंने कहाँ की ड्रेस पहनी है, स्कॉटलैंड की ड्रेस पहनी है. जेंट्स वियर अ नी लेंथ किल्ट मेड ऑफ टर्टन. टर्टन की जो ये नी लेंथ की क्या पहनी है इन्होंने, स्कर्ट पहनी है जो वो हुई है. अब वो क्लोथ विथ चेक बैंड्स. इसमें क्या बना हुआ है, चेक बैंड्स बने हुए हैं, जो हमारी चेक ड्रेस में बना रहता है वैसे ही इसमें चेक बैंड्स बने हुए हैं. जेनी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट एंड अ शॉल मेड ऑफ टर्टन. जेनी ने एक शॉल टाइप का स्कर्ट पहना हुआ है, वो क्या है, और शॉल लिया हुआ है, तो उसको क्या है, चेक लाइक पैटर्न है, शॉल में भी टर्टन का बना हुआ है. बोथ ऑफ देन आर वेयरिंग शूज. कॉल्ड जो उन्होंने शूज़ पहना उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड गिली ब्रॉग. क्या बोलते हैं इनके शूज़ को, गिली ब्रॉग. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज मीशा एंड मनीष हैं, आर वेयरिंग द कोरियन ड्रेस. क्या पहना है इन्होंने, कोरियन ड्रेस पहना हुआ है. कोरियन ड्रेस क्या बोलते हैं इनको, हैंगबुक बोलते हैं इनका ड्रेस को. मीशाज हैंडबुक इज़ मेड ऑफ अ लॉन्ग स्कर्ट. इन्होंने अपना ड्रेस कैसे बनाया इनका, मीशा का लॉन्ग स्कर्ट कॉल्ड चीमा, लॉन्ग स्कर्ट जो क्या बोलते हैं चीमा, एंड अ जैकेट कॉल चोगरी. मनीष हैंडबुक्स इंक्लूडिंग लूज फिटिंग ट्राउजर्स कॉल्ड पाजी विथ अ शर्ट एंड अ जैकेट. ठीक है, मनीष का जो हैंडबुक है उसमें क्या है, ट्राउज़र है, उसमें लूज फिटिंग ट्राउज़र है, उसके बाद उसके ऊपर जैकेट है. उसको ट्राउज़र को क्या बोलते हैं, पाजी बोलते हैं, और शर्ट है. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वन में. नाउ लैला एंड जहांस आर ड्रेस इन ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स. लैला इज़ वेयरिंग अ साड़ी एंड जहान इज़ वेयरिंग अ कुर्ता एंड धोती. ठीक है, तो ये लैला और जहान है, लैला ने साड़ी पहनी हुई है और जो जहान है उन्होंने कुर्ता और धोती पहना हुआ है, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. नेहा इज़ वेयरिंग अ रशियन सराफान. शी लव्स हिज लॉन्ग एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस. शी इज़ आल्सो वेयरिंग अ कोको स्नेक ऑन हर हैट एंड रशियन फुटवेयर वेलंकी विच इज मेड ऑफ वुल. ओके, तो ये नेहा है जिन्होंने रशियन ड्रेस पहना है, सरफेन पहना है, जिसके जिसमें क्या है, एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई हुई है, और इन्होंने इसके अलावा क्या है, हेड पे एक
कोकोई शिंक पहना हुआ है, उसके बाद उन्होंने पैर में वलांकी पहना हुआ है, वुलन जो वुलन वुल से मेड अप है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हसीना इज वेयरिंग द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ सऊदी अरब कॉल्ड अबाया, हुसैन इज वेयरिंग अ थॉब अ लॉन्ग ड्रेस टिल द एंकल, एंकल तक जो ड्रेस होती है, जो हमारे एंकल होता है वहाँ तक, ही इज ऑल्सो वेयरिंग अ कुर्ता एंड ईगल ऑन हिज हेड। तो इसके अलावा उन्होंने क्या पहना हुआ है, हुसैन ने कुर्ता पहना हुआ है जो एंकल तक है, उसके अलावा उसको थाप पहना हुआ है, उसके बाद क्या कहना है, ईगल कहना है जो उनके सर पे है। ठीक है, नाउ टेबल्स टाइम, टिबेट, राइट द नेम ऑफ द हेड गियर शोज इन द पिक्चर, पिक योर आंसर फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, फर्स्ट वन इज व्हाट इज दिस, राजस्थानी पगड़ी है, इसको क्या बोलते हैं, टर्बन, व्हाट वी कॉल टर्बन। नेक्स्ट फेल हैट्स, नेक्स्ट वन इज दिस, वन इज फेस, व्हाट इज दिस फेस। नेक्स्ट नाउ फोर्थ वन इज सोम बैरो, ठीक है, यस, ये स्पेनिश क्या होती है, टर्बन होती है जो हमें यूज़ करना पड़ता, वो लोग लगाते हैं, ट्रेडिशनल कैप है ये। ठीक है, ये पुर्तगालीज की कैप है, और ये नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नेम इज एक्सप्लोरर, राइट डाउन मेंशन द डे एंड क्लास वर्क, नाउ स्टार्ट द चैप्टर, नेम दीज एक्सप्लोरर्स विद द हेल्प ऑफ क्लू बॉक्स, फर्स्ट वन इज अ पुर्तगालीज सी मैन, ही डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय सेलिंग अराउंड द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्कवर किया था सी रूट, मतलब सी से जो रास्ता आता है उससे डिस्कवर किया था इन्होंने रास्ते को, वो भी किधर से, साउथ अफ्रीका के साइड से। ये पुर्तगालीज सी मैन है, इनका नाम है वास्को डे गामा, क्या है, वास्को डे गामा। नाउ सेकेंड वन इज दिस स्पैनिश नेविगेटर सेट सेल फॉर इंडिया, इंस्टेड ही डिस्कवर अ न्यू कॉन्टिनेंट सिंस ही थॉट दिस कॉन्टिनेंट टू बी इंडिया, ही नेम द नेटिव रेड इंडियंस। इन्होंने स्पेनिश नेविगेटर थे, ये नेविगेटर मतलब सेल को जो हमारी शिप होती है उसको नेविगेट करना, डायरेक्शन जो बताते थे वो डायरेक्शन बता रहे थे, और ये डिस्कवर करने निकले थे न्यू कॉन्टिनेंट, जो क्या न्यू कॉन्टिनेंट था, इंडिया। इनका जो नाम उन्होंने दिया था उस टाइम नेटिव देख के, डायरेक्शन देख के, तो रेड इंडियंस नाम दिया था इनका, नाम क्या है, वो नेम His name was Christopher Columbus. Now third one is an English navigator. He sails around the world, raided many Spanish colonies in America, and was knighted by Queen Elizabeth I. तो ये English navigator थे, ये sail करते थे पूरी दुनिया के, जो कि ये विश्व में घूमते थे, अपनी नाव चलाते थे, इन्होंने क्या थी छापे मारी थी स्पेनिश कॉलोनी में जो अमेरिका में रहते थे, और इसीलिए उनको क्या मिला थे, एलिजाबेथ फर्स्ट ने इनको उपाधि दी थी, मतलब उनको एक प्राइस दिया था कैनाइट के नाम पे। इनका व्हाट वाज हिज नेम, सर फ्रांसिस ड्रेक। नाउ फोर्थ वन इज सेटिंग सेल्स वेस्ट ऑफ डेनमार्क, दिस Viking explorer discovered a large island. He deliberately misnamed the ice island as Greenland to attract people to settle there. Who was he? Eric the Red. Who is Eric the Red? Now, fifth one, last one is, he traveled over land through Asia, he reached the court of the
मंगोल रूलर्स कबोली खान एंड हुज कोर्ट ही सेंट मैनी ईयर्स। तो ये ट्रैवल कर रहे थे इंग्लैंड से एशिया के, और ये पहुँचे कहाँ, मंगोल रूलर्स कबोली खान के पास, जो उनके कोर्ट में काफ़ी सालों तक ये रहे। ये कौन है, मार्को पोलो। हु वॉज मार्को पोलो। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ दिस इज द चैप्टर 22। चैप्टर नेम इज़ द फर्स्ट वंस। द फर्स्ट वंस इन द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग एवरी ग्रेट इवेंट ऑकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हिस्ट्री बन रही होती है तब क्या होता है, पहला जो भी इवेंट होता है या ग्रेट इवेंट जो भी होता है वो फर्स्ट टाइम ही होता है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इवेंट बिकम फेमस एंड आर नोन एज डिस्कवर्स एंड इन्वेंटर। ठीक है, पर्सन जो भी वहाँ क्या करता है, पहली बार वहाँ पहुँचता है या उसकी वजह से खोज हुई होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, या तो डिस्कवर बोलते हैं या तो इन्वेंटर बोलते हैं उस जगह का। ठीक है, नाउ स्टार्ट द चैप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स, टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर इंडिया बाय द सी रूट वॉज। जिन्होंने पहली बार क्या किया था, डिस्कवर किया था इंडिया का रूट, वो भी समुद्र की जगह से पहली बार नाव से आए थे, तो वो कौन थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। नेक्स्ट द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून वॉज। पहली बार कौन लैंड हुआ था मून में, हमारे जो अर्थ से कौन गया था, नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नेक्स्ट वन द फर्स्ट मैन हु वेंट इनटू स्पेस वॉज। पहली बार कौन जिसे बोलते हैं मैन मेल कौन हमारे जो वर्ड से कहाँ गया था, स्पेस में गया था, यूरी गगारिन। यूरी गगारिन जो थे वो पहली बार स्पेस में गए थे, लैंड में लैंड नहीं हुए थे, स्पेस में सिर्फ घूमने गए थे। नेक्स्ट है द फर्स्ट चाइनीज पिलिग्रिम्स हु विजिट इंडिया वॉज। जो फर्स्ट चाइनीज पिलिग्रिम्स हैं जो विजिट कर रहे थे इंडिया, वो कौन थे, फहीन जो थे वो क्या थे, चाइनीज़ जो ट्रेवलर थे जो पहली बार कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। फिफ्थ वन द फर्स्ट इंडियन द फर्स्ट यूरोपियंस हु अटैक इंडियन वॉज। पहली बार किसने यूरोपियन ने अटैक किया था इंडिया में, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अटैक किया था इंडिया में पहली बार। द फर्स्ट इंडियन हु वेंट इनटू स्पेस इज, जो पहली बार कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, वो कौन थे, राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इंडिया से। द पर्सन हु डिस्कवर अमेरिका वॉज, किसने डिस्कवर किया था अमेरिका को, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या किया था, जो पर्सन थे उन्होंने डिस्कवर किया था अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन हु द फर्स्ट वुमेन हु वॉन द नोबल प्राइज वॉज। पहली वुमेन जिन्होंने क्या पाया था, नोबल प्राइज पाया था, एक अवार्ड पाया था नोबल प्राइज, तो वो कौन थी, मैडम क्यूरी। कौन थी, मैडम क्यूरी। ठीक है, नाउ टिब्बेट्सटाइन। तो हु इज टिब्बेट्सटाइन में देखिए, टिब्बेट्सटाइन बेचंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो बेचंद्री पाल जो थी वो पहली वुमेन है जो क्लाइंब किया था इंडिया की तरफ से माउंट एवरेस्ट को। और नाउ द चैप्टर इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीट योर वर्क इन योर बुक, सेंड इट टू योर स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप एंड थैंक यू।